फ्रेंड्स, ये सैमसंग नोट 5 है। इसका फोल्डर डैमेज हो गया, पीछे से बैक पैनल जो है ये भी डैमेज हो गया है। आज हम इस वीडियो में आपको फोल्डर को कैसे खोला जाता है वो, और बैक पैनल तो ये भी आपको पता चल जाएगा। और जब ये सेट खोलेगा तो बहुत सारी चीज़ें भी आप अपने आप रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका रिंगर, वाइब्रेटर, माइक ये आप चेंज कर सकते हैं, होल्डर भी आप आराम से चेंज कर सकते हैं, और भी चीज़ें आप ऑन ऑफ स्विच है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, कैमरा आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमको इसकी सबसे पहले स्ट्रिप जो है ये निकालनी है। ये सबसे पहले हम सिम ट्रे जो है इसको रिमूव करेंगे। सिम ट्रे रिमूव करने के लिए पिन मेरे पास मिस हो गई है, तो ये कोई भी आप निडल लेंगे, निडल से आप आराम से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखिए बाहर आ गई, आराम से दोबारा ये सिम भी लगी हुई। इसको बाहर करने के बाद फिर आपको इसका बैक पैनल जो है उसको आप रिमूव करेंगे आराम से। ये देखेंगे कि ऑलरेडी हटा हुआ, आराम से आप रिमूव कर सकते हैं। ये पेस्ट होता है इसके ऊपर ये पेस्ट होता है। पेस्ट होने के बाद इस जितने भी स्क्रू हैं सबको आप आराम से खोल लें। सारे स्क्रू को आप खोलेंगे। नहीं आ रहे बाहर स्क्रू से रिमूव कर सकते हैं। ये सारे स्क्रू ओपन हो गए। ओपन होने के बाद आप आराम से इसके इस तरह से फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये आराम से इसको लगाया और साइडों से ये आराम से रिमूव हो जाता है। अब ये हमारा पूरा बोर्ड आपके सामने है। आपको बैटरी अगर रिमूव करनी है तो बैटरी का कनेक्टर ये रहा, आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। और बाकी जो है पूरे बोर्ड को हम बाहर निकालते हैं, सारे कनेक्टर हम पहले फ्री करें। ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, और ये वाला ये भी फ्री हो गया। ओके, एक ये रहा, इसको फ्री करेंगे। और ये हमारे जो वायर है इसको आराम से आप इस तरीके से फ्री करें। तो ये देखिए हमारा बोर्ड अब फ्री करने के लिए तैयार, आराम से। अब एक ये रही वायर, इसको आपको डिस्कनेक्ट करना आराम से साइड से। ये आपका सैमसंग नोट 5 का ये बोर्ड है। इसमें जब आपको कैमरा चेंज करना हो तो कैमरे का कनेक्टर ये रहा, फ्रंट कैमरे का ये रहा, आप आराम से चेंज कर सकते हैं। और अगर चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम है, हैंड फ्री में कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी ये स्ट्रिप आती है, ये स्ट्रिप चेंज हो जाएगी। माइक में कोई प्रॉब्लम है
तो अभी यही स्ट्रिप आपकी चेंज होगी। बैटरी को आप रिमूव कर सकते हैं, साइड से आप लगाएं और इसमें पेस्ट होता है, ये ऑलरेडी एक बार खुला हुआ है तो ये आराम से निकल गया, नहीं तो ये पेस्टेड होती है। देखिए साइड से पेस्ट होता है, ये बहुत हार्ड खुलती है, निकलती है। तो इस तरीके से ये बैटरी भी रिमूव हो गई है। अब रहा आपका फोल्डर, फोल्डर के लिए ये रहा कनेक्टर, एक ये रहा। आप फोल्डर को हीट देंगे, हीट देने के बाद बाहर निकालें और बाहर निकालने के बाद चेंज कर दें। और विद फ्रेम भी आता है, तो विद फ्रेम बहुत अच्छा है। आप सिर्फ ये स्पीकर है, स्पीकर लगाओ, वाइब्रेटर लगाओ, ये स्ट्रिप चेंज करो और बस लगा दो। फ्रेम के साथ मिलता है तो और अच्छा है, उसमें पेस्टिंग आपको जेन्युइन मिलेगी। ठीक है, डिसअसेंबल हो गया है। अब हम इसको वापसी असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले आप बॉडी सेट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब ये आपका पैनल है, इसमें ये देखिए ऑन ऑफ स्विच का ये ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, और इसका प्लस माइनस का लगा हुआ है, टिप्स ये रही। और इसके कैमरे के ग्लास भी बहुत डैमेज हो जाते हैं क्योंकि बाहर है ये, तो ये कैमरा का भी हमने चेंज किया हुआ है। ये देखिए कैमरा लगा हुआ है, कैमरे का ग्लास इसका डैमेज जो था डैमेज ही रहा, ये डैमेज है। अब इसका जो बैक पैनल ख़राब है, ये बैक पैनल भी हम पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा एकदम फ्रेश हो जाएगा। हम अभी इसका फोल्डर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर दे रखा है, आ जाएगा फिर लग जाएगा। अभी आपको ये आपको पूरा तरीका बता दिया। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आता है तो आप आराम से इसको इस तरीके से खोल करके आप फोल्डर चेंज कर सकते हैं। ये लग गया। अब आप जितने भी स्क्रू आपने लूज किए हैं, ओपन किए हैं, सारे स्क्रू को आप वैसे ही लगाएं, और लगाने के बाद आपका सेट रेडी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में भी अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।